नमस्कार, स्वागत आपका। मैं हूँ संतोष कुमार पार्थ। इस वक्त हमारे पास मौजूद हैं कृष्ण प्रसाद यादव। इनसे हम जानेंगे कि हिलसा नगर परिषद का चुनाव हो रहा है, वैसे में मुख्य पार्षद पद के प्रत्याशी ये भी हैं, क्या कहेंगे सर? नमस्कार संतोष जी, मैं मुख्य पार्षद का उपाधि हूँ। मेरा एक स्लोगन भी है कि धनबल को जनबल से परास्त करो। हिलसा की तेज रफ्तार, गरीबों की सरकार, न जात पात न भेदभाव, वादा नहीं विकास करेंगे, वोट दीजिए काम करेंगे। और किस मुद्दे के साथ चुनाव में आए हैं सर? मैं चुनाव में मुद्दा में आया हूँ कि मैं नगर परिषद हिलसा को ईमानदारी व समयबद्ध कार्यशैली का विकास करूंगा। मैं गरीबों के लिए, जिसको भूमिहीन है, उस भूमिहीन को मैं ज़मीन उपलब्ध करा के पक्का मकान बनाऊंगा। जो सफाई कर्मी भूमिहीन हैं उनका भी ज़मीन उपलब्ध करा करके और पक्का मकान का निर्माण करूंगा। आपका मोमिनपुर के मुसहरी टोला, नेमना टोला, आपको बरवा खंधा, आपको बरवा खंधा, आपको जो है इस तरह से तमाम गांवों को, अर्जुन टोला है आपका, मई में गोविंद टोला है, ये सब तमाम गरीब को गांव में मास्टर लाइट का प्रबंध और आपको सफाई का व्यवस्था कराएंगे। पहले सर किसानों के आवाज़ों पर लगातार लड़ते थे, हक के लिए आंदोलन करते थे, एक आप अधिवक्ता भी हैं, एकाएक चुनाव लड़ने का मूड कैसे बन गया? जी हमारा लड़ाई पहले से ही, हम कर्मचारी नेता रहे हैं, इसलिए कर्मचारी के बिंदु पर भी, कर्मचारी के पुराना पेंशन के बिंदु पर भी हमारा लड़ाई संघर्ष हम करते रहे हैं। हमने ही झारखंड में संघर्ष स्टार्ट किया था पुराना पेंशन का, और वैदी हैं संविदा कर्मचारी, अनुबंध कर्मचारी और ठेका कर्मचारी के सरकारी बिंदु पर लड़ते रहे हैं। अधिवक्ता के सम्मान के लिए, आर्थिक और सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिए वह भी लड़ाई मेरा है, और हमारा किसानों के लिए, किसानों के जो समर्थन, न्यूनतम समर्थन मूल्य है, उस मूल के भी मैं घोषणा पत्र बनाया हूँ। उसमें C2+50% का समर्थन मूल्य के और खाद बीज का सस्ता दर पर उपलब्ध कराने के लिए भी मेरा लड़ाई होगा। तो मैं, मेरा घोषणा पत्र भी जारी हो रहा है। मैं घोषणा पत्र में सारा बिंदु, जैसे ठेला फुटपाथ दुकानदार है तो उसको तब तक नहीं हटाया जाएगा जब तक कि उसके लिए व्यवस्था हम नहीं करा देते हैं। चुनाव चिन्ह क्या मिला है? मेरा चुनाव चिन्ह सिलाई का मशीन है, और सिलाई का मशीन मेरा चुनाव चिन्ह है, और उस चुनाव चिन्ह सिलाई के मशीन के साथ मैं आपको गरीबों के लिए और किसानों के लिए, मजदूरों के लिए, मजदूर का जैसे 4 करोड़ लागू है जिससे उसका काम का घंटा में वृद्धि हो जाता है, तो उसको रोकने के लिए भी मेरा संघर्ष होगा। यानी हमारा घोषणा पत्र है कि किसान, मजदूर, छात्र, नौजवान, आपके किसान, मजदूर, कर्मचारी, अधिवक्ता, अनुबंध कर्मचारी, सरकारी कर्मचारी, निजीकरण के खिलाफ सारा बिंदु पर हमारा लड़ाई होगा। और एकदम ईमानदारी, जो लोग बोलते हैं कि भ्रष्टाचार का खात्मा नहीं, ईमानदारी और समयबद्ध, कोई भी काम समयबद्ध पर हुआ, समयबद्ध कार्यशैली का विकास करूंगा। आपको जन विकास और स्वच्छ नगर परिषद का, पारदर्शी नगर परिषद के लिए हम काम करूंगा।